छह परिवार लेके हम गुजारी थे यहाँ घरे में, और छह परिवार में यही घर में रहना, सूतना, उठना, बैठना, बारिश से लेके आज तक ठंडी पाला में ऐसे छत छत चार लड़का दूर बरानी हम ही एक घर में श्यान श्यान बिटिया भी हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कच्चे मकानों व झोपड़ी में रहने वाले सभी परिवारों को पक्का आवास देने का प्रावधान है, परंतु बड़े अफसोस की बात है, भदोही जनपद ज्ञानपुर ब्लॉक के पूरे गोसाई दासपुर गांव में सुधा देवी सहित कुल 22 परिवारों को आज तक आवास न मिलने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं केसा देवी, यह है मेरा समुदाय। घर नहीं बन पावता है, चुहे लगता है, ते हर हटावा बढ़ावा वो हर करे, लड़का चट्ठे हैं, बिटिया पतो कहाँ रख जाए। आवास पावे तो कौनो प्रयास करे ना हो? बहुत प्रयास कर जाता है, बाकी प्रधान के लगे दौड़ दौड़ जवाए, प्रधान कहे कि अब हम मिले तब मिले, बाकी प्रधान देत नहीं, कौनो भी चुनाव में हमें सबके आवास नहीं मिल पावता है। ठंडी और बारिश में बड़ी सबसे बड़ी दुर्दशा, पूरा सूरा पाल के बाद देखा मैम आपके सामने धरा। अगर आपका आवास बन जाए तो आपके क्या फायदा है? सबसे बड़ी फायदा तो ये रहे मैम कि जो हम भूखा सूखा हम सब दोनों परानी खट के लिए अपने बच्चन के खियाए पियाए के रह के लिए अच्छे से कुकुर बिलाड़ न खाई, नुकसान तो न हुए, हम सबको चुई बह के सरे पके तो न। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि ज्ञानपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है 9454461928 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं केसा देवी, भदोही जिला से, इंडियन हर्ड के लिए।